स्टोरी ऑफ महिषासुर राक्षस। कई साल पहले एक राक्षस हुआ करता था जिसका नाम था महिषासुर। वो राक्षस देखने में तो असुर था लेकिन उसमें एक दिव्य शक्ति थी। वो बहुत शक्तिशाली था और पाताल, स्वर्ग और पृथ्वी तीनों लोकों को जीतना चाहता था। इस सब को पाने के लिए उसने भगवान ब्रह्मा की कड़ी तपस्या की। ओम हैम हीम श्रीम क्लीम सौह सत चिद एकम ब्रह्मः। उसने एक ऊंचे पर्वत पर एक टांग पर खड़े होकर कई साल तपस्या की और इसी दौरान उसने हर तरह की तकलीफों को झेला, चाहे वो तेज बारिश हो, तूफान हो, बर्फ हो और चाहे कड़ी धूप हो। ये सब देखकर भगवान खुश हुए और आखिरकार उस सिद्धि राक्षस के सामने प्रकट हुए। भगवान ब्रह्मा बोले, आंखें खोलो महिषासुर, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? मुझे इतना शक्तिशाली बना दो कि कोई भी मुझे मार ना पाए। पुत्र, हर जीवन का अंत सुनिश्चित है, मैं तुम्हें ऐसा वरदान नहीं दे सकता। ठीक है, तो मुझे ना कोई देवता, ना दानव और ना ही कोई मानव मार पाए। अगर मुझे कोई मार पाए तो वो एक स्त्री हो, तथास्तु। वर प्राप्ति के बाद महिषासुर ने पाताल और मृत्यु लोक पर धावा बोल दिया। सभी प्राणी उसके अधीन हो गए। कुछ समय बाद उसने इंद्र लोक पर हमला बोल दिया और सभी देवताओं को वहां से भगा दिया। परेशान देवताओं ने जाकर अपना दुख ब्रह्मा विष्णु महेश को बताया। ये सब सुनने के बाद त्रिमूर्ति ने दुर्गा देवी की रचना की। शिव, विष्णु, ब्रह्मा और इंद्र ने अपने त्रिशूल, सुदर्शन चक्र, कमंडल और वज्र को उनको दिया और हिमवन ने उनकी सवारी के लिए शेर दिया। माँ दुर्गा ने कहा, मैं उस राक्षस का वध करके ही लौटूंगी। फिर क्या था, माँ दुर्गा ने हिमालय के शिखर से महिषासुर को जैसे ही जोर से पुकारा, अन्य राक्षसों ने माँ दुर्गा पर आक्रमण कर दिया। माँ दुर्गा ने सभी राक्षसों को पराजित कर दिया। ये सब देखकर महिषासुर को और गुस्सा आ गया। उसने माँ दुर्गा पर आक्रमण कर दिया। बस इसी मौके का इंतजार कर रही माँ दुर्गा ने महिषासुर के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। ये युद्ध 9 दिन तक चला और अंत में माँ दुर्गा ने महिषासुर को मार गिराया। ये देखकर सभी देवी देवता प्रसन्न हो गए और उन्होंने माँ दुर्गा पर फूलों की बारिश की। इसी प्रकार से इनका नाम महिषासुर मर्दिनी के नाम से जाना जाने लगा। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और हर साल हम इस जीत को दुर्गा पूजा के रूप में मनाते आ रहे हैं। इस दिन भगवान राम ने रावण का भी वध किया था, जिसे हम दशहरा के रूप में मनाते हैं। नानी थी।